अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फहीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। रिक्वेस्ट आप लोगों से, ये हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जनाब जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली बिलोंग्स रखती है कि अकाउंट टाइप्स के अकाउंट टाइप्स कितने होते हैं। दो टाइप्स के अकाउंट खुलते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो है कि हमें करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए या सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहिए। अच्छा, बेसिकली जो फ़र्क है करंट अकाउंट का और सेविंग अकाउंट का ये है कि आपने आप जो पैसे करंट अकाउंट में रखवाते हैं, चाहे 1 रुपये रखें, 1 करोड़ रखें या 1 अरब रुपये रखें, वो आपके पैसे जो है वो उतने ही रहते हैं, वो बढ़ते नहीं, इसको कहते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, नॉर्मली तकरीबन बैंकों में करंट अकाउंट पे कोई चार्जेस भी नहीं होते, एटीएम भी फ्री होता है, चेक भी फ्री होता है, कुछ बैंकों में चार्जेस हैं भी, लेकिन नॉर्मली करंट अकाउंट में ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं क्योंकि बैंक जो है आपको इस पर कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा था। तो करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें कोई भी प्रॉफिट आपको नहीं दिया जाता, उसको कहते हैं करंट अकाउंट। अब बात कर लेते हैं हम सेविंग अकाउंट की। अच्छा, सेविंग अकाउंट ये होता है कि सेविंग अकाउंट में जो है बैंक आपको प्रॉफिट देता है। ठीक है, और चार्जेस जो है वो कुछ सेविंग अकाउंट पे होते हैं, कुछ पे नहीं होते। एज़ कम्पेयर टू करंट अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट में कुछ चार्जेस करंट अकाउंट के बनिस्बत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, बैंक के चार्जेस वैसे भी इतने ज़्यादा नहीं होते। तो जनाब ये बेसिक फ़र्क है, करंट अकाउंट में जितने भी पैसे रखवा लें, सारी ज़िंदगी जमा पूंजी रखवा दें हम, करंट अकाउंट में कोई पैसे नहीं बढ़ रहे हैं। और सेविंग अकाउंट में जो आप रखेंगे तो सेविंग अकाउंट में आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है। किसी ये अकाउंट टाइप पे किसी में हर महीने प्रॉफिट आ रहा होता है, किसी में 6 महीने पे आ रहा होता है, किसी में साल पे आ रहा होता है। और ठीक है, तो ये होता है सेविंग अकाउंट। अच्छा, हम आप लोगों को सजेस्ट ये करेंगे कि आप लोग जो है वो सिर्फ सेविंग अकाउंट खुलवाएं बैंक में, हमारी अपनी सजेशन है, बाकी जो भी डिसीजन लेना है वो आपने लेना है। अच्छा, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप अकाउंट बैंकों में सेविंग अकाउंट कराएं खुलवाएं? देखिए होता क्या है, आप जब बैंक के पास डिपॉजिट लेके जाते हैं, अच्छा देखिए, जब आप बैंक में, इस तरह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, 1 लाख का लोन लिया आपने 5 साल के लिए, ठीक है, तो होगा क्या, हर महीने आप जो है आपने 1 लाख रुपये मिल गया और हर महीने उसके 2-3 हज़ार रुपये जो भी इंस्टॉलमेंट है वो हर महीने आप बैंक को भरते रहेंगे और 4 साल 5 साल के लिए जो भी लिया, 4 साल 5 साल बाद लोन आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका इस ये भी ख़त्म हो जाएगा कि आपने बैंक से कोई लोन नहीं लिया, NOC आपको मिल जाएगी, इसको लोन कहते हैं। आपने बैंक से पैसे लिए उसको लोन कहते हैं, ठीक है, आपने बैंक में जो पैसे डिपॉजिट करवाए उसको क्या कहेंगे? आपने बैंक से पैसे लिए उसको लोन कहते हैं, आपने जो बैंक में पैसे जमा करवाए उसको क्या कहेंगे? वो भी लोन लोन के टर्म्स में आता है। ठीक है, वो आपने बैंक को लोन दिया होता है, ठीक है, दोनों ही लोन है। एक में क्या है कि आपने बैंक से लोन लिया होता है उसको आप लोन कहते हैं, एक बैंक में डिपॉजिट करवाया जाता है उसकी भी टर्म्स क्या है, वो भी लोन है, आपने बैंक को लोन दिया होता है। अच्छा, बात आ जाए टॉपिक की तरफ कि सेविंग अकाउंट में हम क्यों कह रहे हैं आप लोगों को पैसे जमा करवाने के लिए। आप जब पैसे बैंक में जमा करवाते हैं तो बैंक करता क्या है, आपके पैसे जो है वो आपके अकाउंट में डाल देता है और अकाउंट से वो पैसे उठ के जो वो जेल बैंक के जेल्स में चले जाते हैं। अब बैंक करता क्या है, आपके पैसे को जितने बैंक पूरे पाकिस्तान बैंक की ब्रांचेज हैं उनमें जो भी पैसे रखे होते हैं वो सारे बैंक के जेल में चले जाते हैं। और बैंक क्या करता है, उससे बिजनेस करता है। किस टाइप का बिजनेस करता है, किसी को घर का लोन दे दिया, किसी को बाइक का लोन दे दिया, किसी को गाड़ी का लोन दे दिया, किसी का LLC खुलवा दिया, किसी को पर्सनल लोन दे दिया, किसी को हज उमरा का लोन दे दिया, किसी को BTF दे दिया, किसी को क्रेडिट कार्ड दे दिया, ठीक है, और भी मुख्तलिफ टाइप्स के लोन है, किसी को बाइक का लोन दे रहा है बैंक, किसी को जनरेटर का लोन दे रहा है, ठीक है, किसी को मुख्तलिफ शादी के लिए लोन दे रहे हैं, एजुकेशन के लिए लोन दे रहे हैं, तो मुख्तलिफ टाइप के लोग बैंक लोन दे रहा होता है, आपके पैसे ही को दूसरे लोगों को लोन दे रहा होता है। और दूसरे फिर जो है वो क्या, दूसरे लोग क्या करते हैं, जो लोन ले चुके होते हैं वो हर महीने बैंक का इंस्टॉलमेंट भर रहे होते हैं, उसमें बैंक के इंस्टॉलमेंट में जो लोन लिया तो उसके एक प्रिंसिपल अमाउंट होती है, एक प्रॉफिट होता है, प्रिंसिपल अकाउंट तो प्रिंसिपल अकाउंट में एडजस्ट हो जाते हैं, प्रॉफिट क्या होता है वो बैंक के पास आ जाता है। अच्छा, उसका उसके बाद क्या करता है बैंक, जो प्रॉफिट आया होता है तो उसका कुछ हिस्सा
40-50% वो खुद रखता है, बाकी जो बचते हैं 40-50% या 30% है वो कस्टमर को दे देता है। तो बैंक ये कर रहा था, जब आपने बैंक में करंट अकाउंट खुलवाया होता तो होता क्या है, बैंक आपके पैसे को जेल में चले जाते हैं, आपके पैसे से बिजनेस करता है, उसके बाद जो बिजनेस में जो प्रॉफिट आता है उसको, तो वो क्या करता है, प्रॉफिट वो कस्टमर को नहीं देता, वो बैंक खुद रख लेता है, क्योंकि आपने करंट अकाउंट खुलवाया होता है, उसके टर्म्स ये कंडीशन है कि कस्टमर कहता है मुझे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, बस मेरा अकाउंट खोल दो ये काफ़ी है, ठीक है, मुझे कोई बैंक का कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो होता क्या है, इससे बैंक को बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, जितने ज़्यादा करंट अकाउंट होंगे, जितना ज़्यादा डिपॉजिट होगा, बैंक तो उसको बिजनेस में लगाएगा, उससे प्रॉफिट हासिल कर रहा होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल 1 अरब रुपए जो है उस बैंक को के पास है करंट अकाउंट के, तो बैंक ने क्या किया, 1 अरब रुपये जो बिजनेस में लगा दिया, अब उससे हुआ क्या कि 1 महीने में जो उसका प्रॉफिट आया वो समझ लिया 5 करोड़ रुपये आया करंट अकाउंट का। अब अगर वो पैसे सेविंग अकाउंट के होते तो बैंक को क्या, बैंक क्या करता, 5 करोड़ में जो है वो 1.5-2 करोड़ रखता, बाकी 3 को 2.5-3 करोड़ जो कस्टमर को प्रॉफिट दे देता। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, क्योंकि पैसे करंट अकाउंट के बैंक ने लगा दिए, पैसे बैंक को प्रॉफिट आया 5 करोड़ रुपए, अब ये बैंक को कस्टमर को कुछ नहीं देने, ये सारे बैंक का ही प्रॉफिट है, क्योंकि कस्टमर ने कह दिया मुझे कुछ चाहिए नहीं, करंट अकाउंट खुलवा के बात ही खत्म कर दी। तो इसलिए हम कहते हैं आपसे कि सेविंग अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि बैंक आपसे पैसे लेके क्या करता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, लोगों को लोन दे रहा होता है, उसके बाद लोन जब वापस लोग इंस्टॉलमेंट वापस करते हैं तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रॉफिट अमाउंट होता है, प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल में चला जाता है, प्रॉफिट जो बैंक के पास आ जाता है उसमें जो बैंक का हिस्सा होता है बैंक अपने पास रखता है, और जो बाकी बचता है वो जो कस्टमर का प्रॉफिट होता है कस्टमर को रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये समझना है कि करंट और सेविंग अकाउंट में क्या फ़र्क है, आप में सेविंग अकाउंट में पैसे जो है वो आपको सेविंग अकाउंट क्यों खुलवाना चाहिए। और अगर आप ब्रांच की बात कर लें, ब्रांच को इस तरह समझ लें कि ब्रांच में आप जाते हैं और ब्रांच में 1 करोड़ का डिपॉजिट आप सेविंग अकाउंट में करवाते हैं, तो ब्रांच मैनेजर आपसे कहता है कि ठीक है आपने 1 करोड़ रुपये जमा करवा दिया, अब हर महीने जो है 1.25 लाख-1.5 लाख रुपये आपके अकाउंट में प्रॉफिट गिरेगा, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा जितने भी सेविंग अकाउंट है हर महीने प्रॉफिट बढ़ रहा होता है उन पे, ठीक है, कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। तो बैंक यही करता है, पैसे उठा के हेड ऑफिस को जीएल्स में भेज देता है। ब्रांच का यही काम होता है, आपके जाए पैसे निकालें, पैसे रखवाएं, बिल भरें, और आपके पैसे जो है वो बैंक हेड ऑफिस को देता है। ब्रांच जो है वो खुद कोई काम नहीं कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल आप एक कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो और कपड़ा खरीदते, तो कपड़े वाला के दुकान वाले करता है कि 1,000 रुपये कपड़ा लेकर आता है और 1,500 में आपको बेच रहा होता है, 500 उसका प्रॉफिट होता है। एक दिन में 10 कपड़े भेज दिए तो 5,000 का प्रॉफिट हो गया, 20 भेज दिए तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। ब्रांच जो है ब्रांच ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा होता है, ठीक है। ब्रांच को आप देखेंगे तो आपके पैसे जब चाहे आप दिल करें रखवाएं, जब निकलवाएं, और अगर पैसे आपके सेविंग अकाउंट में रखें तो हर महीने आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। 1 करोड़ रुपये तो 1.25 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये हर महीने आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हम कभी ये सोचते नहीं कि ब्रांच पैसे कहाँ से, प्रॉफिट कहाँ से लाता है, ब्रांच तो कोई काम करता ही नहीं, कोई बिजनेस तो नहीं कर रहा होता है, वो तो बस जो हम जब चाहे पैसे रखवाएं पैसे निकलवाएं बस वो यही कर रहा होता है। तो ब्रांच मैनेजर की सैलरी, ऑपरेशन मैनेजर की सैलरी, ब्रांच स्टाफ की सैलरी, ब्रांच अगर रेंट पे है तो उसका उसका रेंट, गार्ड्स की सैलरी, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, ये कहाँ से आ रहा होता है। तो होता ही कि ब्रांच का जो बेसिकली काम होता है कस्टमर से डिपॉजिट इकट्ठा करना, ब्रांच मैनेजर जैसे कोई अच्छा कस्टमर देखता है कोशिश करता है उससे बातचीत करें, उससे जान पहचान बढ़ाए, और फिर उसको फोर्स करें कि अपने अकाउंट में बैलेंस डिपॉजिट जमा करवाएं। तो ब्रांच का टारगेट ये होता है कस्टमर से ज़्यादा डिपॉजिट लेकर आना, फिर वो डिपॉजिट जो है वो बैंक के जीएल में चला जाता है और बैंक उससे बिजनेस कर रहा होता है। सारी डिटेल मैं बता चुका हूँ आपको, डिटेल बिजनेस बैंक बिजनेस किस तरह कर रहा था, किसको किस तरह प्रॉफिट मिलता है और वो फिर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो करंट अकाउंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपके पैसे से बैंक बिजनेस कर रहा होता है लेकिन उससे जो प्रॉफिट आता है वो बैंक ने आपको देना नहीं होता, क्योंकि आप खुद जब अपने करंट अकाउंट खुलवाया होता है तो जो है उस पे जो है ऑलरेडी कंफर्म है कि करंट अकाउंट पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट में मिलता है जनाब। तो इसलिए हम आपको सजेस्ट ये करते हैं कि बैंकों में जो है सिर्फ सेविंग अकाउंट खुलवाएं, इसका आपको एडवांटेज है, भले से आपके अकाउंट में 5,000 पड़े हों या 5 लाख पड़े हों, जो भी रखें उस पर आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके पैसे से कोई बिजनेस भी कर रहा हो और आपको कुछ भी ना दे रहा हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपके जहन में ये है
कि भाई जो बैंक जो प्रॉफिट दे रहा है तो सूद है और सूद के पैसे मुझे नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं करंट अकाउंट खुलवाऊंगा, सेविंग अकाउंट नहीं खुलाएगा। तो मेरी बात ये रखिएगा, ये फतवा उलमा कराम भी देते थे कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, सैलरी बैंक अकाउंट में ही आनी है, तो आप एक काम करें करंट अकाउंट खुलवा लें जिसमें आपको बहुत कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। तो इसकी उलमा कराम ने इजाज़त दे दी थी, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि हर बैंक तकरीबन बैंक जो है वो इस्लामिक हो चुके, इस्लामिक हो चुके से मुराद इस्लामिक ब्रांचेस खोल चुके हैं, ठीक है। तो जो सा भी आपका फेवरेट बैंक हो, HBL हो इस्लामिक हो चुका, फैसल बैंक इस्लामिक हो चुका, मिजान बैंक है इस्लामिक, बैंक अल्फा में इस्लामिक भी है, कन्वर्शन भी है, तो तकरीबन बैंक इस्लामिक कन्वर्शन दोनों है। तो आपके जहन में ये बात आती है कि प्रॉफिट जो है वो सूद है, तो आप इस्लामिक बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा लें, उसका प्रॉफिट के बारे में उलमा कराम के वाजा फतवा मौजूद है, और तकरीबन उलमा कराम का फतवा मौजूद है कि इस्लामिक बैंक में अगर पैसे आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो जायज़ है। तो वंस अगर हम आपसे यही सजेस्ट करेंगे कि हमने आपको समझाने की कोशिश की, डिटेल बताई कि किस तरह आपके पैसे को यूज़ किया जाता है, उससे उसको बिजनेस में लगाया जाता है, उससे प्रॉफिट हासिल किया जाता है और फिर आपको दिया जाता है, तो आप लोगों सजेशन तो यही कि बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाएं, बाकी आपकी मर्जी। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, रिक्वेस्ट आप लोगों से यही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस को जब आप लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।